अगर वो पैसा कमाएगा YouTube से। ये हमारे साथ है मुकेश जी, देखा होगा आपने चैनल। क्यों भाई YouTube पे झूठ बोलते हो क्या? है गरीब दिखा दिखा के, गरीबी दिखा दिखा पैसा छाप रहे हो, व्यूज छाप रहे हो। अरे गुरु जी, लोग तो यही बोल रहे हैं कि गरीब वो पैसे नहीं कमा पाएगा कभी YouTube से। गलती होगा गुरु जी, दिखाओ अगर कौन सा तुम्हारा, कहां से तुम वीडियो बनाते हो? सब बोलते हैं ना कि मैं झूठ झूठ का घर दिखाता हूं। सब बोलते हैं, हाँ वही चीज है। मैं देखा हूँ लोग कमेंट कर रहे हैं कि बेवकूफ बना रहा है इंटरनेट पे। दिखाते हैं आपको, देखो आप देखते हैं ना हकीकत क्या है, कहाँ से वीडियो बनाता है। हाँ। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं पैसा नहीं, गरीब पैसा नहीं कमा सकता है जी, लोग सोचते होंगे कि ये इसके पास महल होगा। हाँ। और दिखा रहा है झोपड़ी। हाँ वही चीज है जी, आज वही तो हम देखने आए हैं, वही रियलिटी देखने आए हैं जी। घर दिखा, कहाँ से वीडियो बनाते हो आप जी? आइए दोस्तों आप सभी को दिखाते हैं। हाँ तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोलते हैं। बहुत दिखा दिखा के नहीं, गरीब हो गरीब हो, दिखाओ कहाँ गरीब हो तुम, दिखाइए। ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब सेटअप, यहाँ पर बनाते हैं वीडियो। हाँ इसी के अंदर देख सकते हैं दोस्तों, ये रियल में यूट्यूब वाले बाबा खुद आए हुए हैं, ये वीडियो बनाते हैं और यहाँ से वीडियो बनाए। अंदर चल के दिखाई कैसे वीडियो बनाते हैं, दिखाइए। अंदर थोड़ा सा लाइट नहीं है ना गुरु जी? बोलते हैं हाँ ये लाइट नहीं है। हाँ, हमारे पास ये ट्राइपॉड है। अच्छा, जो कि यूट्यूब के पेमेंट से लिए है और इतना भी पैसा नहीं था पहले ना कि ये ले सके। तो पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो यूट्यूब से? सब आप सबकी कृपा है, मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल यार, हम तो सोच रहे थे कि ये तुम जो भी पट्टी, हमें लगता दूसरे की दिखा रहे हो, यही सोचते हो तुम? हाँ हाँ हाँ, देखो ये बेड है इनका और जहाँ गए मत समझना। और गुरु जी बताए वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? हाँ बताओ कैसे रिकॉर्ड करते हो? ओ भाई साहब, ऐसे ऐसे शूट करते हो? हाँ इधर मोबाइल। अच्छा ऐसे लाइट लगा के? हाँ ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हो? क्या भाई गजब गजब, लोग तो कहते हैं गरीब यूट्यूब से पैसे नहीं कमा सकता है, है? सिर्फ गरीब फरवा करके, गुलामी करके, मेहनत करके ही पैसा कमा सकता है, ऐसा है? नहीं ये सब नहीं, सब सबका मानसिकता है सिर्फ, मानसिकता है ना सिर्फ। हाँ। इंटरनेट से पैसा कमा सकता है गरीब? नहीं कमा सकता, ये बताइए। कमा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, कमा सकते जी बिल्कुल। देख लीजिए घर आपको दिखाया है, झोपड़ी में रहते हैं, यहीं पर इनका यही घर है, यही सोता भी है बेचारा, रात दिन मेहनत करता है। जो आप लोग जानते नहीं कि एक मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर, जानते होंगे इनका चैनल, क्या चैनल का नाम है आपके, पूरा नाम बताइए। गरीब MS ब्लॉग्स। आज चैनल पर कितने 11 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, आपको क्या लगता है कितने दिनों में हुए, कितने दिनों में हुआ आपका 1 मिलियन, बताइए। 1 मिलियन टोटल मिला ले जाए तो पूरा 2.5 से 3 साल लगे हैं, लेकिन 1 मिलियन होने में 1 लाख से 10 से 15 दिन लगे हैं। 10 से 15 दिन में 1 लाख से 1 मिलियन पहुंचने में सिर्फ 8 से 10 दिन लगे। कहते हैं गरीब वो पैसा नहीं कमा सकता, बिल्कुल कमाएगा। अगर यूट्यूब वाले बाबा तो क्यों नहीं कमाएगा, निगेटिविटी फैलाने दीजिए लोगों को। जी सही कह रहे हैं। कौन कौन कहता था कि वीडियो बनाने के क्या होगा? सब कहते थे, कोई नहीं बस बचा के नहीं कहता। मम्मी पापा भी बोलते होंगे ना? हाँ, बहुत टॉर्चर किया होगा आपको। हाँ, मम्मी पापा भी टॉर्चर किए इनको कि वीडियो बना के कुछ नहीं मिल सकता। आइए मम्मी जी कहाँ है, माता जी प्रणाम, कैसे हैं? बढ़िया है, आप भी बहुत टॉर्चर किए हैं इसको शायद। आइए खड़े हो जाइए, माता जी से पूछते हैं, आज जब ये वीडियो बनाता था आपको क्या लगता था, सच बताइएगा? बहुत खुशी है हमें। पहले क्या लगता था ये बताइए? तो बहुत कुछ कर ढली, बहुत कुछ गैया देली, गाली भी देते थे, बहुत बहलाई गई ना, बहुत मार गैया गए ना कि का साथ है, पगलाई गया है, बौराई गया है, एकरे दिमाग उमाग नहीं बा, कहूं बम्बई दिल्ली कमाए नहीं जाता, सब कमात बा, बहुत कुछ कही ढार। मतलब इनको गाली दे रही थी कि जाओ दिल्ली बम्बई कमाओ जाके, बाहर जाके दूसरों की गुलामी करिए। लेकिन आज की आज क्या है आप जानते हैं? आज क्या है, वीडियो बना के अपना घर तो चला सकता है ना, अपनी फैमिली तो पाल सकता है ना वो एक वीडियो से। अब आपको हकीकत पता चली ना कि गरीब भी इंटरनेट से पैसा निकाल सकता है ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करके। सही बोला कि नहीं बोला माता जी? बोला। ये मोबाइल फोन में कितनी ताकत है। ये कार बताया आपने, ये हमने 1.5 महीने कमाई से ली थी 10 लाख रुपए की, 1.5 महीने कमाई से सिर्फ मोबाइल फोन से वीडियो बना के। अब हम ना जानत रहली कि ये कुल कैसे का होला। भले आप आज ये छोटे हैं, अभी अभी शुरुआत किया, पैसा उतना नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे चल के अगर मेहनत करेंगे तो आगे चल के बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये आप लोगों से बोलना चाहूंगा मैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं ना, तभी मैं आज लोगों को खुद फ्री में फोन दे देता हूं कि एटलीस्ट अगर ये, जब बंदा कितने जीबी का फोन यूज करते थे आप पहले, जब 3 GB RAM 32 GB storage 3 GB RAM 32 GB storage के फोन से वीडियो बनाते थे और घर वाले गाली देते थे। मेरे भी घर वालों ने गालियां दी, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, क्योंकि कभी कोई विश्वास नहीं करता है।
कि इंटरनेट पे वीडियो बना के गांव वाला भी पैसा, सिटी वाला ही पैसा कमाएगा क्या? क्या सिटी वाला ही पैसा कमाएगा जिसके पास सारी चीजें हैं, वाईफाई है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, वही कमाएगा? नहीं नहीं, आज के दिन में गांव वाला भी पैसा कमा सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो जी। और लोग कमा रहे हैं, हम एग्जांपल देते हैं, जीता जागता एग्जांपल हमारे मुकेश जी है, गरीब एमएस ब्लॉग। पहले आप अपने चैनल पे किस वीडियो बनाते थे? पहले गेमिंग वीडियो डालते, पहले गेमिंग वीडियो बनाते थे। अब आप कौन सा डालते हैं? आप व्लॉग की वीडियो बनाते हो? हम ना, हमारे जो ढाई लगभग दो साल हम वीडियो डालते हैं गेमिंग का, तो हमें कुछ अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, कितने सालों में आपको सफलता मिली पहले ये बताइए। जो हाँ, जो गरीब लोग हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, जो लोगों को नहीं पता इंटरनेट पैसा है, वो सोचता है कि पहला दिन डालूं मैं, 15 दिन में मेरी वीडियो वायरल होना चाहिए, 15 दिन में खाते में पैसा आना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं है। कितने साल आपने मेहनत किया? हमने लगभग 2.5 साल लगा दिया यूट्यूब पर वीडियो बनाने में, तब जाके हमारा फर्स्ट पेमेंट आया था। 2.5 साल में पहला पेमेंट आया। यहाँ अगर 1 साल काम कर लेते लोग ना, तो हारी मन के चैनल छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन 2.5 साल भी आज बंदा देख लीजिए, आज खुद इसके पास लोग आते हैं, यूट्यूब वाले बाबा खुद चल के आए। क्यों आए? उसकी वजह यही है कि इसने कर दिखाया। जो लोग कहते नहीं नहीं कर सकते, वो लाचार होते हैं, वो अपने आप को कोसते हैं, लेकिन आपने कर दिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। और आपका ये भी घर है आपका? हाँ। अच्छा अच्छा, लेकिन रहते हैं आप यहाँ पर हैं? हाँ, ये सेटअप वगैरह सब कुछ। अच्छा, आपका बिस्तर भी यहीं पर है? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, पिताजी कहाँ हैं इनके? पिताजी काम पर गए हैं। पिताजी भी आपको मारते थे कभी, डांटते थे? एक बार तो पूरा कुदाल से ही। हमें ना मार देना तुम यार। नहीं, आप डर के मारे मार रहे हैं वीडियो में, देख रहे हो। आपकी ये हालत हुई है, सोच रहे हैं उस समय मेरी क्या हालत हुई होगी, समझ रहे हैं आप। अभी आपकी कितनी एज है? 19-20 साल। 19-20 साल के हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं गांव में, ऐसा नहीं है सभी घर में बच्चे होंगे, मैं भी बोल रहा हूँ सभी बच्चे होंगे, लेकिन वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि भैया पढ़ाई करो, या फिर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, पैसा नहीं तो जाके बाहर कमाओ, विदेश कमाओ। हाँ, विदेश में 1000-12000 ही मिलेगा, वो भी 8 घंटे काम करने पे। आज आप घर बैठे एक वीडियो बना के पैसा कमा लेते हैं, है कि नहीं? हाँ जी। और फैमिली अच्छी चला सकते हैं जी, बिल्कुल। ये है हमारे मुकेश जी। और बताइए अपनी स्टोरी थोड़ी, हमारी ऑडियंस जो है थोड़ा मोटिवेट हो। दोस्तों देखिए, सबसे पहले 2.5 से 3 साल पहले हमने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी, 3 GB रैम के फोन से भैया, तो हम दो दोस्तों लोग वीडियो बनाते थे। हम तो फ्री में फोन दे देते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? भैया आप जैसा इंसान हम कभी देखे हम नहीं चाहते हैं कि जब एक 3 GB रैम वाला फोन से वो आगे चल सकता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी पहली बात तो, और अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता, तो हम अगर फोन दे देते हैं कि 4 GB 128 GB स्टोरेज का, तो वो क्यों नहीं? हमारे कहने से, हमारे फोन देने से क्या पता वो बंदे की किस्मत बदल जाए। सही, वो भी सकता है जी। मैं काफी लोगों की किस्मत बदली भी है, जो लोग ग्रो हुए या ना हो मुझसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा मकसद यही है कि जो लोग गांव से हैं, एटलीस्ट उनको भरोसा हो जाए कि इंटरनेट पर पैसा कमाया जा सकता है और वीडियो से पैसा मिलता है जी, अपना खर्चा आप चला सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, खर्चे से ज्यादा कमाया जा सकता है, लेकिन वो आपके काम करने का तरीका और मेहनत मैटर करती है जी, बिल्कुल। उसके बाद जब हम आगे उधर चलते हैं, थोड़ा चलते फिरते वीडियो बनाते रहिए, है ना? तब जब हम ये बताइए, हाँ। पहले हम पूछना चाहेंगे कार कैसे लगी हमारी, ये बताइए। बहुत तगड़ी लगी, ये देखिए, ये हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यूट्यूब वाले बाबा बहुत अच्छा लगा, गिफ्ट कर दे आपको, सबको फोन देते हैं, आपको कार देते हैं, लेना चाहोगे? अब आने वाले, अच्छा ये बताइए, अगर हम गिफ्ट करें आप हमसे लेना चाहेंगे या फिर खुद से परचेज करना चाहेंगे, ये बताइए। पहली बात तो गुरु को दक्षिणा दी जाती है, ली नहीं जाती, पहली बात तो ये हो गई। थैंक यू। और जो खुद के पैसे से मिलता है ना, उसकी खुशी भैया अनंत रहती है। तो आप खुद के पैसे से लेना चाहते हैं? जरूर लेंगे, ये यूट्यूब वाले बाबा का वादा है। चलिए आइए और बताइए कैसे हैं, कैसी लाइफ चल रही है? एकदम बढ़िया गुरु जी, बहुत लोग आते होंगे यहाँ पर तो? हाँ, मिलने आते हैं लगभग 20-25 लोग मिलने आते हैं। परेशान नहीं होते आप? अब परेशान जंगल तरफ लेके जा रहे हैं, डरिएगा नहीं। हाँ जी बिल्कुल, हम तो यहीं पर रहते हैं भैया, देख रहा हूँ अपने मोहल्ले का रौब दिखा रहे हैं, हम तो यही रहते हैं, तुम तो बाहर से आए हो। नहीं नहीं, इसी बात नहीं भैया। अच्छा चलो, अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, वाकई हमको भी इतना ज्यादा, बहुत समय लग गया हमें आने में आपके पास, इनके पास आने में काफी समय लग गया क्योंकि दादी एक्सपायर हो गई थी। जब मैं आया था गोरखपुर, मैं आपके पास आता, ठीक है, मुझे लोकेशन पता चल गई थी, मैं आपसे ही ले लेता, लेकिन फिर दादी एक्सपायर हो गई तो फिर मुझे घर जाना पड़ा और फिर मैं वहीं था, लेकिन फाइनली मैं आया। और जो लोग कहते हैं ना कि गरीब पैसा नहीं कमा सकता, उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम ये भाई साहब ने किया। एक दिहाड़ी मजदूर
काम करने वाले का लड़का, आप भी काम करते थे? हाँ, उसी से हम अपने फोन का रिचार्ज कराते थे घर वाले। कितना पैसा कमाते थे पहले आप एक दिन में? एक दिन में 300। आज कितना कमाते हैं? आज वीडियो बनाने के बाद आज एक दिन में कभी 2000, कभी 5000, कभी 1000, कभी 500, कभी फिक्स नहीं होता है। दिन दहाड़ी काम करने वाला 300 पहले कमाता था, 200-300 रुपए, 8 घंटे काम करते थे। हाँ, सिर का पसीना पैरों तक जाता था तब मिलता था। अब सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और एक घंटा आराम से प्यार से वीडियो बनाते हैं और आराम से अच्छा पैसा छापते हैं। यह है यूट्यूब का पावर, ऑनलाइन का पावर। अगर आज भी अभी भी समझ में नहीं आया आपको कि इंटरनेट पे पैसा है, आज लोग फेसबुक से पैसा कमाते हैं, पता है आपको? जी बिल्कुल पता है। आप कमाए हैं अभी? हम तो आज के बाद से आप फेसबुक से भी पैसा कमाएंगे। करिए काम। हाँ बिल्कुल, पेज बना के करिए काम, फेसबुक से भी पैसा कमाएंगे। हम सारे तरीके बताते हैं यूट्यूब पर, कैसे यूट्यूब पर काम करना है, कैसे फेसबुक पर काम करना है, प्रूफ भी दिखाते। हवाई बात नहीं करते भैया, मैं कितना कमा रहा हूँ मैं खुलकर बोल रहा हूँ। आपकी हिम्मत है, औकात है तो आइए ना, आप सामने लड़िए। सामने भाई है, मेहनत किया उसने, आइए इसके सामने लड़िए। आप गरीबी का झांसा मत दीजिए, ये बात समझ लीजिए। गरीबी का झांसा देकर जीवन अपने आप को आप तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन अपने अपने आप को खुश नहीं कर सकते, तसल्ली दे सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। है कि नहीं? और क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए। बिल्कुल बताइए, जर्नी के बारे में बताइए। दो दोस्त लोग वीडियो बनाते थे ना भैया, तो 7 महीने तक जब हमने वीडियो बनाया, गेमिंग वीडियो डालते थे, 3GB रैम के फोन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना गेम प्ले का, और गेम प्ले करना दिक्कत हो रहा था। तो हमने कहा भैया तुम गेम खेलो, हम रिकॉर्डिंग एडिटिंग अपलोडिंग सारा कुछ मैं कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे करते थे, लेकिन 7 महीने के बाद वो उसका मन थोड़ा सा ऐसा हो गया, हमने एक दूसरा चैनल खोल लिया था MS गेमिंग नाम से। अच्छा। तो इस पर एक वीडियो वायरल जाने लगी मेरी। अच्छा, 500 व्यूज आ गए। 500 वीडियो? हाँ, 500 लगी आपके वायरल हो गई। 2-4 व्यूज कहाँ, 500 व्यूज कहाँ। अच्छा, 2-4-5, सही बात है। तब ना हमने जब 3 महीने तक इस वीडियो बनाया, वायरल गई, तो इस बात को मैंने अपने दोस्त को बताया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भैया हमारा दोस्त मेरी तारीफ करेगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता यूट्यूब पर कि पहले आप गेमिंग की वीडियो बनाते थे, अब आप ब्लॉगिंग की वीडियो बना रहे हो, फिर भी चैनल चल गया आपका? सभी यूट्यूबर कहते हैं एक नीच पे काम करो, एक नीच पे काम करो। हाँ, कहते हैं। फिर कैसे हो गया ये? हमने बात कहा ना कि लगभग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताइए, आप जवाब दीजिए फिर हम बताएंगे। 2 से 2.5 साल जब हम वीडियो अपलोड किए ना, तो हमारी कोई वीडियो नहीं चली गई। हाँ, नहीं चली। तो एक दिन हम अपने चैनल का मोनेटाइजेशन वाला वीडियो डाले, जिसमें एक ब्लॉगिंग टाइप का था, मैंने अपना सब कुछ बताया उसमें, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों ने चैनल मोनेटाइज बना लिया। वो वीडियो मेरी चली गई, चली गई। कहाँ 200-400-500 व्यूज, कहाँ 1000, कहाँ 1 लाख पर चैनल मोनेटाइज हो गया। देखिए यूट्यूब पर जैसे आप काम कर, अगर आपका चैनल का मोनेटाइजेशन आ रहा है या फिर पिन आ रहा, पैसा आ रहा, इस टाइप की वीडियो अगर आप डालते हैं चैनल पे, तो ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, 100% और इनके चांसेस ज्यादा होते वायरल। जैसे पेमेंट आ गई, फर्स्ट पेमेंट, तो इस तरीके के वीडियो पे रिस्पॉन्स मिलता है, जिससे क्या पता आप भी वायरल हो सकते हैं, जो कि भाई साहब हुए हैं। तो एक वीडियो ने किस्मत पलटी, इसके बाद लोगों ने इनका देखना चालू। ऐसा नहीं कि बैठ गए, रेगुलर काम किया आपने। जी बिल्कुल। फिर मनोज भाई ने भी आपके ऊपर वीडियो बनाया, क्योंकि आपको पता बड़े यूट्यूबर तभी आपका साथ देता है जब आप खुद मेहनत करते हैं। हाँ भैया सही कह रहे हैं। कुछ आपके व्यूज आ रहे हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि हम भी ऐसा करते हैं? गुरुजी, मैं सच बताऊं तो मेरी जो एक ख्वाहिश थी कि काश मैं ऐसे शख्स मिल लेता जो एक अच्छी खासी मुकाम हासिल किए हो। एक अंदर होता है ना भैया कि काश मैं भी ऐसे इंसान से मिल लूं जो इतने ज्यादा परिचित है, इतने ज्यादा फेमस है, और आप साथ साथ दर्शन दे दिए, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। मैं इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, शब्द नहीं किया मैं कितना तारीफ करूं। बस कुछ मत बोलिए, हमारी यही इच्छा है कि जैसे आप काम करो अपने चैनल पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, दिन दूनी 4 रात करिए, खूब पैसा कमाइए, है ना जी। लेकिन हमेशा सोच समझ कर काम करिए, है ना। जो भी बहुत सारी चीजें हैं हमने आपको समझाई, ठीक है ना। बहुत अभी बच्चा है ये, अभी इसको बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, ठीक है। बाकी आपकी तो बहुत सारी इंटरव्यू वीडियो लोगों ने डाली है, लोग भी आते हैं आपसे मिलने, है ना, वीडियो भी बनाते होंगे, परेशान भी नहीं होते आप? हो जाते हैं कभी कभार, कभी बोले तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो चिल्ला दिया करो कि भाई अभी मैं देखा हूँ यार बंदा सबका वीडियो शेयर भी करता है, तो सब सोच समझ कर आप काम करिए इस पे इंटरनेट, ठीक है ना। गलती करता हूँ, बात समझ रहे ना। मान लीजिए कोई यूट्यूबर आया, उसने 2 वीडियो चैनल पे डाल रखा है, अब आपके साथ बना दिया, आप उसका शेयर कर देंगे क्या? नहीं, आपको उसकी मेहनत देखनी है। मैं क्लियर कर बोल रहा हूँ, खुलकर बोल रहा हूँ, आप उसकी मेहनत देखिए। अगर सामने वाला बंदा मेहनत कर रहा है, मेहनत किया है, काम किया, तभी आप उसका वीडियो शेयर करिए। हाँ। वरना आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है, इससे फिर आपकी भी कम्युनिटी खराब होगी। हाँ, सही समझ रहे हैं? नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। एक वीडियो से वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। आपके फेस से व्यूज तो आ जाएगा। पहले अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाह रहे हैं, तो पहले सीखिए। सीखना जरूरी, और सिखाने का काम हम करते हैं, पैसा कमाने का काम
हमारे भाई साहब लोग करते हैं और आप लोग भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कभी मत सोचिएगा कि मैं गांव से हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते। मम्मी पापा को एक तरफ रखो, आपको अपनी लाइफ बनानी है, बनानी नहीं बनानी। जी बिल्कुल भाई एकदम सही कह रहे हैं आप। अगर आप उनके उनकी चीजों को सोचते होते तो क्या आप काम कर पाते? नहीं, हम तो 1.5-2 साल उनको बताया भी नहीं था हमारे यूट्यूब चैनल। लो तो मत बताइए, चोरी छुप के काम करिए, लेकिन करिए। अगर और ये सब बच्चे बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, एजुकेशन को भी पहले जरूरी है, एजुकेशन भी दीजिए। मैं देखता हूँ 15 साल 16 साल 14 साल के बच्चे आज यूट्यूब पर करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे। बेटा पहले आप एजुकेशन करो, देन आप यूट्यूब पर आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है ताकि फैमिली आपका विरोध ना करे कभी। बिल्कुल ठीक है, यूट्यूब पर पैसा तो है काफी, बहुत बहुत है ना, देख लो। तो बोला भाई ने भाई क्या सोचते हैं, 2-4 वीडियो बनाए पैसा आना चालू हो जाए। अच्छा मेहनत किया है ना इन्होंने, मालूम नहीं कैसे किया भाई, लेकिन मेहनत किया कि नहीं किया? किया ना, सबको मालूम है। देखिए मेहनत किया इन्होंने, सबको मालूम है, गांव का बंदा भी बोल रहा है भाई कि नहीं बंदे ने मेहनत किया। और पता है इतना बड़ा कोई सिटी से नहीं बिलोंग कर रहे हैं, पता कितनी दूर है बस्ती से, ये इतना अंदर है, ज्यादा बड़ा गाँव भी नहीं है, हमारे यहाँ गाँव के मोहल्ले के बराबर नहीं है गाँव। देखिए यहाँ से पैसा लोग कमा रहे हैं, इंटरनेट सेवा भी आपके यहाँ, सबसे अच्छी बात यहाँ पर इंटरनेट भी अवेलेबल है, सही है कि नहीं? जी। तो बहुत अच्छा लगा मुकेश जी हमारे चैनल पर आप आए, हम और हम आए यहाँ पर आपकी चीजें, क्योंकि इंटरनेट पर लोग निगेटिविटी फैलाते हैं, वो स्क्रिप्टिंग बना रहा, वो झूठ बोल रहा, ऐसा नहीं है, रियल में इन्होंने मेहनत किया है और चीजों को समझा है। और जिस मुकाम पे है गरीब MS ब्लॉग चैनल तो आप जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेंशन कर दिया है, सब कुछ कर दिया। और भी आप प्यार दीजिएगा, ऐसे एक लोग नहीं है, मैं चाहूंगा मेरे तरीके से सीखोगे समझोगे तो ऐसे एक नहीं 1000 बंदे खड़ा कर सकता हूं, लेकिन ऐसा जुनून और जज्बा होना चाहिए, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप घर बैठे पैसा कमा पाएंगे, वरना वीवर की तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। वीवर की तरीके से इस्तेमाल करेंगे सभी, हम तो यूट्यूब गुरु हैं, हम तो करेंगे ही, हमें पैसा कमाना है, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके वीडियो देखने से हमारा पेट चलता है। जी बिल्कुल सही, ये नहीं देखेंगे, प्यार नहीं देंगे, हम पैसा नहीं कमाएंगे। बिल्कुल सही, और तभी देखते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, डेली वीडियो डालते हैं, इसी वजह से हम खुद मेहनत कर रहे हैं ताकि ये खुद मेहनत करें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तरीकों को देखें, जब हम गुरु आपका मेहनत कर रहा है तो इनको भी मेहनत करना है। जी बिल्कुल, वो ये चीजें नहीं समझेंगे, और जो समझेगा जो तरीके को फॉलो करेगा वही इंटरनेट से पैसा कमाएगा। कितना पैसा कमाते हो यूट्यूब से, इसकी वीडियो में दूसरी आएगी, ये बता रहा हूँ आपको, सस्पेंस है, इसमें पैसा नहीं बताया जाएगा कुछ। और दूसरी वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक भैया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। भैया हमारे करना ना करना, लेकिन भाई को जरूर सपोर्ट करना है ना। अभी आपको पता है ना, इनका एक शॉर्ट वीडियो 4 मिलियन गया। तो पैसे की बात करेंगे कि कितना शॉर्ट 4 मिलियन का पैसा मिला है, क्या है वो चीजें अलग वीडियो में, उस पर कितने सब कुछ बात करेंगे। तो बस ये चीजें, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा कि आज हमारे मुकेश जी यूट्यूब से कितना पैसा छाप रहे हैं। भाई साहब बहुत सही था, छाप रहे हो। चलिए गुरु का आशीर्वाद साथ में, खूब कमाओ, खूब आगे फूलो फलो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर ऑनलाइन पैसा कमाना है तो। जय हिंद, वंदे मातरम।